हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एग्जांपल 30 हम कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 6.5। इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करूंगी सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प के साथ और एंड में आप देखेंगे कि ये सेकंड डेरिवेटिव एंड में जाके हमारा फेल हो जाएगा। और फेल होने के बाद आप क्या देखेंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। सो यहाँ पर आपको क्लियर कंपैरिजन पता चल जाएगा कि हम जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते भी हैं, अगर वो फेल हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, राइट। सो यहाँ पे एग्जांपल 30 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। लेट सी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, मेरे पास वैल्यू आएगी 6x² माइनस 12x प्लस 6। यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट निकालना है तो मुझे लेट करवाना होगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो जैसे ही मैंने ये वैल्यू एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वल्स टू जीरो रखी, मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, फैक्टर्स बनाने की कोशिश की। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 6 की वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो के अगर फैक्टर्स करेंगे तो दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वेयर आएगा। कहने का मतलब x माइनस 1 दो बार है। कहने का मतलब वैल्यू तो आपकी अल्टीमेटली एक ही आ रही है ना, एक ही पॉइंट आया है आपका, वन पॉइंट आया है आपका ओनली। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से कर रही हूँ तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया दूसरी बार। जब मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 6 × 12x - 12, ठीक है। अभी तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं हुई है, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं हुआ है, अभी तक ये टेस्ट फेल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट मुझे चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा का आ रहा है या फिर लोकल मिनिमा का, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली मैं यहाँ पर डालूंगी, राइट। सो अभी मैं यहाँ पर जैसे ही डालती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्ट जीरो, 12 - 12 = 0। दैट मीन्स यहाँ पे तो आप लिख तो दोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन आपको एग्जाम में शो करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, ठीक है। आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे फेल हो चुका है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही निकल के आएगा, ये जो वन आपका पॉइंट है, क्यों, क्योंकि आप अभी यहाँ पर कैसे पता करोगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आ रहा है, वो आपको शो भी करना है। और वो शो कैसे करना है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जस्ट अभी आपको बताया है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर करना है परफॉर्म तो कैसे करना है। तो यहाँ पर इतने स्टेप्स तो आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, ये स्टेप्स आप दोबारा तो करोगे नहीं, राइट। एक आपका पॉइंट आ चुका है वन, वो उसी पॉइंट के लिए अब आपको चेक करना है कि वो आपका कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का, मिनिमा का या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन ये हम चेकअप किसकी हेल्प से करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से। अब देखो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से कर रहे हैं तो हमें कैसे करना है, अगेन बॉक्स बना के आपको सॉल्व करना है, राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जब आप बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे होगा साइन, यहाँ पे होगा एफ डैश ऑफ एक्स और यहाँ पे होगा आपके सामने रिजल्ट, और रिजल्ट ही आपको बताएगा कि आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। अब आपका पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है, वन पर आपको चेक करना है। अब इस पॉइंट से स्लाइटली लेस वैल्यू, मतलब लेस देन वन आपको लेनी है एक वैल्यू और एक वैल्यू ग्रेटर देन वन लेनी है, ठीक है। आपको डालनी कहाँ है, एफ डैश ऑफ एक्स में, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो ये वैल्यू है आपकी एफ डैश ऑफ एक्स की। अब मैं स्लाइटली लेस वैल्यू लेती हूँ अगर वन से, तो मतलब जीरो डालकर देखती हूँ इसमें। जैसे ही मैंने इसमें जीरो डाला तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया और अप का साइन लगा दिया। जब मैं ग्रेटर देन वन वैल्यू लगाती हूँ, मैंने ले ली सपोज करो टू वैल्यू डाल दी, अब मैं यहाँ पे टू वैल्यू डाल रही हूँ। सो दैट मीन्स 6 × 4 - 24 + 6, 6 × 4 = कितना होता है, 24। ऑब्वियसली ये क्या हो गया, कैंसल। तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी अप साइन आ रहा है, सेम साइन आ गए। दैट मीन्स जब भी आपके पास अप के बाद भी अप आ रहा है, सेम एरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही सेम एरो आ रहे हैं मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड वो आपने पूरा प्रूफ भी कर दिया है टीचर को, राइट, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो कि आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कहाँ होता है, और फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से उनको शो करके दिखाना होता है, चेक करना होता है उसी पॉइंट पर कि आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या वो लोकल मैक्सिमा का होगा, लोकल मिनिमा का होगा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो अगर आपको अच्छे से जानना है, जो वीडियो ये डायरेक्ट देख रहे हैं
कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देखना मत भूलना, नहीं तो आपको हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो जाए। सो कमिंग वीडियोस में मोर क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।